फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खाते रहो बनाते रहो। आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी मलाई कोफ्ते की रेसिपी लाए हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही आसानी से बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने 3 पोटैटोस छील के उसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, जो पानी में करेंगे ताकि वो काला ना पड़े। ये देखिए इस तरीके से 3 हमने ऑनियन लिया है जिसे ऐसे स्लाइसेस में कट कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा काजू ले लेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लेंगे, थोड़ा सा ग्रीन लीफ कोरिएंडर लीफ ले लेंगे जिसे बारीक चॉप कर दिया हमने। 3-4 टोमेटोज़ ले लेंगे। टोमेटोज़ हमेशा हमें ऑनियन से ज़्यादा रखना है उसकी डबल क्वांटिटी में। 1 कप के करीब हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। ग्रीन चिली ले लेंगे 4-5 बारीक चॉप करके। ये देखिए 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट ले लेंगे। जीरा पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा हल्दी ले लेते हैं। धनिया पाउडर ले लेंगे 1 टेबलस्पून। और खसखस ले लिया है हमने 1 टीस्पून के करीब। और जो हमारे होल स्पाइसेस यानी कि खड़े मसाले हैं वो ले लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम हमारी रेसिपी बना लेते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले फ्रिज से हमने जो पनीर रखा था वो निकालेंगे। मैंने आपको पनीर नहीं बताया था क्योंकि हमने उसे फ्रिज के लिए रखा था, फ्रीजिंग के लिए। और अब हमने पोटैटोस को छान के रख दिया है 10 से 15 मिनट तक, ताकि उसका जो पानी है वो पूरा अच्छे से निकल जाए। और अब हम पनीर को अच्छे से मैश करके ये कद्दूकस किए हुए पोटैटोस जो मैंने छान लिए थे वो भी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे। ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसकी जान होती है हमारे कोफ्तों की, तो आप ज़रूर डालें। बट अगर स्पाइसेस खाना पसंद नहीं है तो चिली अवॉइड करें। ये देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, नमक डाल देंगे एज पर योर टेस्ट। कोरिएंडर लीफ डाल देते हैं, धनिया पत्ता। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका डो बना लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा गीला लगे आपको, तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल दीजिए कॉर्नफ्लावर। ये देखिए मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर दिया है और इसे अब ऐसे लंबे में कर दिया है। अब एक पैन हमने गरम करने के लिए रख दिया था ऑयल इसमें, और अब हमने जो कोफ्ते बनाए हैं वो इसमें डाल देंगे। आप कोफ्तों को बॉल के एज अ बॉल भी बना सकते हैं गोल गोल करके, बट हमने ऐसे लंबे में बनाया है। अब इसे टर्न करके हर तरफ से इसे ब्राउनिश होने तक पका लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से आप पलट दें और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ गया, पक चुका है। तो हमें प्लेट में टिश्यू रख के इसे साइड में करके निकाल लेंगे ताकि उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से हम बाकी के भी हमारे जो कोफ्ते हैं उसे छान लेते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। तो चलिए हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं, जिसके लिए हमने जो हमारे होल स्पाइसेस हैं खड़े मसाले उसे डाल देते हैं ऑयल में। और अब अनियन डाल देंगे, अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें कैश्यू ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं। और अब 2 मिनट बाद इसमें हमने जो काजू लिया था वो ऐड कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से चला ले ये सारी चीज़ों को। अब जब कांदा थोड़ा सा क्रंची लगे आपको ऊपर का लेयर, तो उसमें आप टोमेटो ऐड कर दीजिए। टोमेटो हमेशा डबल रखना है हमारे ऑनियन से। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से इनको थोड़ा सा पका लेंगे टोमेटो को, थोड़ा मैशी होने तक। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना हमारे जो टोमेटो हैं वो मीठे लगने लगते हैं। हमें थोड़ा खट्टा ही रखना है। और अब इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी, ये सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। और अब इसे अच्छे से चला लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से चला लें आप। और 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से चला के ढक के 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ज़्यादा मैश नहीं करना है टोमेटो को, वरना वो टेस्ट मीठा आएगा। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे खोल के देखते हैं। और अब इसे ठंडा होने के बाद हम इसे ब्लेंडर जार में डाल के पीस लेंगे, इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए हमारे पेस्ट बना लिया है। और अब हम इस पेस्ट को छान लेंगे। आप सोच रहे हैं हम छानेंगे क्यों? क्योंकि हमें हमारा जो मलाई कोफ्ता की जो ग्रेवी है वो भी एकदम मलाई की तरह हमें होनी चाहिए, तभी खाने में मज़ा आएगा। ये देखिए हमने इसे छान के सेम पैन में रख दिया है बॉईल होने के लिए। जब ये बॉईल होने लगे तो हम इसमें हमारे जो क्रीम है वो
वो डाल देंगे। आप इसमें फ्रेश क्रीम, व्हिप्ड क्रीम या फिर मलाई भी ऐड कर सकते हैं अच्छे से व्हिप करके। ये देखिए बहुत ही क्रीमी बना है, आप इसे चला लें। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका जो कलर है काफ़ी अच्छा आया है और ये लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। चला लीजिए और ये एकदम भी रेडी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्विंग बाउल में हम सर्व कर लेंगे। हमें कोफ्तों को पहले सर्व करना है, कोफ्ते हम ग्रेवी में नहीं डालेंगे, ग्रेवी को कोफ्ते के ऊपर डालेंगे। ये देखिए आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये देखिए थोड़ा सा हम क्रीम ऐड कर देते हैं इस पर सर्विंग के लिए इस तरीके से। थोड़ा सा हम पनीर ग्रेट करके डाल देंगे, थोड़ा धनिया पत्ता। ये देखिए हमारा जो प्रेजेंटेशन है बिल्कुल भी रेडी है। आप इस तरीके से सर्व कीजिए, सभी को अच्छा लगेगा। और अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।